इस तरह से देखिए सबको तोड़ के अलग करना पड़ता है ऐसे इधर, और इसको हम पहले ही साफ से धो लिए थे रगड़ रगड़ के, और इधर देख सकते हैं इसको इस तरह से तोड़ तोड़ के बनाया जाता है। हेलो दोस्तों, दिलीप सोनी ब्लॉग्स में आप लोग का स्वागत है। तो दोस्तों अभी देख सकते हैं सुबह हो चुका है और हम लोग उठ चुके हैं, और रोज की तरह आज भी भागा भागी। तो आज हमारा 20 शिफ्ट है ड्यूटी, तो आज ए शिफ्ट में घर में रहेंगे। तो इधर आप देख सकते हैं किशन का भी तैयारी चल रहा है इधर, और इधर परी तैयार हो चुकी है, और इधर दूध और रोटी खा रही है, सब्जी खाने नहीं चाहते, खा भी ली। तो चलो चलिए दोस्तों अभी इसको, तो दोस्तों हम इस सबको आते हैं अभी स्कूल छोड़ के, कहे कि अभी बहुत ठंडा है तो जैकेट उकेट लगा लिए हैं। चलिए दोस्तों अभी बच्चा लोग को हम छोड़ के स्कूल से आ गए हैं, और बाल उल भी कटा लिए देखिए, और आके नहा धोवा के पूजा भी कर लिए, कहे कि आज मंगलवार है, मंगलवार मेरा फेवरेट डे है। और इधर देखिए सोनी अभी अपना झाड़ू पोछा कर रही है, इसलिए कि अभी नहाई नहीं है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, और हम लोग भी बिल्कुल अच्छे हैं। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है, हम अपना झाड़ू पोछा में लग गए हैं। अब तो नहाए धोए नहीं है, अभी नहाना धोना मेरा बाकी है। क्या तुम जल्दी से नहा लो, जब तक सोनी नहा रही है तब तक हम सोच रहे हैं कि अपना वही कोयला चूल्हा जो है उसको हम लोग जला देते हैं नानी, थोड़ा नहा के भी अभी है तो ठंडा भी लग रहा है, तो दोनों उसमें सिका भी लेंगे, और कुछ हम लोग का सब्जी भाजी भी बन जाएगा। तो दोस्तों बने रहिए आप लोग, हम लोग चलते हैं कोयला चूल्हा जलाने। हम नहा लेते हैं, सो तक आप चूल्हा जला लीजिए, क्योंकि जलने में कोयला चूल्हा थोड़ा टाइम लगता है। अच्छा दोस्त लोग बोल रहे थे कि सोनी बहुत खुश नहीं है, तो इधर देखो हंसो, कहे हंसती नहीं है। तो दोस्तों आप लोग का कमेंट आ रहा था कि भाभी कोई कोई लिखा था कि सो रही है, कोई बोला तबियत खराब था, तो हाँ थोड़ा सा मेरा तबियत खराब था, आज थोड़ा हमको अच्छा लग रहा है, तो सुबह सुबह काम में लग गए हैं, वैसा कोई बात नहीं है। टेंशन है जिंदगी में, तो आते जाता रहता है, कभी खुशी कभी गम, थोड़ा रम पम पम, हाँ तो थोड़ा खुशी कभी गम होते रहता है, तो आदमी का जिंदगी अप डाउन होते रहता है, ये तो सबका लाइफ में लिखा हुआ है, तो इसीलिए थोड़ा सा माइंड हो जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, एकदम स्वस्थ है। तो दोस्तों चला जाए कोयला चूल्हा की ओर, जलाते हैं। तो दोस्तों इधर देख सकते हैं आप लोग, हम लोग चूल्हा जला के यहाँ रेडी कर दिए हैं, और इधर सोनी शुरू भी हो गई है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हम लोग का चूल्हा भी जल गया है, और हम कड़ाही में पानी भी डाल दिए हैं, और आपको एक चीज बताते हैं, आज हम लोग बनाने वाले हैं इसका सब्जी। कौन कौन इसको पहचानते हैं जल्दी कमेंट करके बताइएगा। हम लोग का तरफ तो इसे इसको गुल्लर, अब क्या बोलते हैं, बरहर, गुल्लर, बरहर नहीं है इसको, बरहर नहीं बोलते इसको, गुल्लर बोलते हैं। तो दोस्तों हम लोग के तरफ तो इसको गुल्लर बोलते हैं, शायद ये जंगल वगैरह में मिलता है ना, जंगल मिलता है, जंगली मतलब जंगली सब्जी में आता है क्या? जंगली नहीं, तो हम मेरा दोस्त ले रहे थे, तो फिर मेरे लिए भी खरीदे कि बना के देखिए, तो बना के देखते हैं, हम लोग को पता नहीं, इसका पेड़ रहता है बरहर का, हम बहुत पहले देखे हैं बरहर की गुल्लर, क्या बोलते हैं, गुल्लर का, तो जो भी है इसका सब्जी बनता है ना, आज हम लोग भी बना के दिखाते हैं आप लोग को कि इसका सब्जी कैसे बनता है क्या। तो इसको पहले हम लोग को ऐसे तोड़ लेना पड़ेगा इधर, इसको इस तरह से देखिए सबको तोड़ के अलग करना पड़ता है ऐसे इधर, और इसको हम पहले ही साफ से धो लिए थे रगड़ रगड़ के। तो दोस्तों इधर देख सकते हैं हम पूरा तोड़ लिए इसको, और हाँ आपको एक चीज बताना भूल गए, हम लोग का एरिया तरफ इसको क्या बोलते हैं, डूमर बोलते हैं। हाँ अब मतलब झारखंड में बहुत जगह ऐसा है जिसको डूमर बोलते हैं, गुल्लर बोलते हैं, तो हम लोग तो ज्यादा डूमर से जानते हैं। तो इसको सारा चीज बोलते हैं, अलग अलग जगह में अलग अलग नाम है। तो इसको थोड़ा सा सोनी बॉयल कर रही है, थोड़ा सा गर्म पानी में बॉयल कर लेंगे, शायद ये थोड़ा सा मतलब कसेला होता है ना, थोड़ा सा कसा टाइप लगता है, इसलिए तो एक बार बॉयल करके बॉयल कर लेते हैं। तो दोस्तों हम लोग का ये गुल्लर जब तक बॉयल हो रहा है तब तक हम जा रहे हैं मसाला पीस लेने, यहाँ देख सकते हैं इतना सारा हम मसाला निकाल लिए हैं, क्या क्या डाली है इसमें, अदरक, लहसुन, मिर्चा, धनिया, जीरा, गोलकी, जो भी सारा मसाला है वो हम जा रहे हैं पीस लेते हैं, सो तक ये बॉयल हो जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं ये अच्छे से बॉयल हो गया है, ये ऐसे टूट रहा है, अब इसको हम ऐसे छान लेते हैं, पानी से निकाल लेंगे इस तरह से। तो दोस्तों ये अच्छे से बॉयल हो गया है, अब हम सोच रहे हैं इसको ऐसे कटिंग करके इसका जो बीजा है
वो अंदर से निकाल लेंगे। और आप लोग को बता दें कि हम लोग को उतना आइडिया नहीं है, पहले बनाए नहीं है, तो शायद इसको बहुत कोई पहले ही मतलब निकाल लेता है ना और कूच के बनाता है, तो हम लोग को आइडिया नहीं था, हम लोग बॉइल कर लिए। तो अब थोड़ा थोड़ा इसको हम लोग साफ करते हैं, तो देख सकते हैं इसको इस तरह से साफ करेंगे, इसका जो बीजा है ना इसको ऐसे, अभी बॉइल हुआ है तो जल्दी निकल भी जाएगा। देखिए इस तरह से निकाल लेंगे सारा बीजा हम लोग, इसका ऐसे साफ करना होता है ताकि ये जो कसैला लगता है वो नहीं लगेगा। देखिए इधर साफ कर लिए हैं ये, ऐसे पूरा अंदर से पूरा इसका बीजा निकाल लिए हैं। इसी तरह चलिए फटाफट से सबको निकालते हैं। तो दोस्तों इधर देख सकते हैं इसको अच्छे तरह से हम साफ कर लिए हैं, इसका सारा अंदर का निकाल लिए हैं। इधर मेरा कढ़ाई भी गर्म हो गया, अब इसको चलते हैं बनाने। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग को तेल डालना पड़ेगा यहाँ, तो इधर देख सकते हैं तेल हमारा डल चुका है। तो दोस्तों हमारा तेल गर्म हो गया, इसमें हम डाल दिए तेज पत्ता। तेज पत्ता डालने के बाद इसमें हम लोग डाल दिए प्याज। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं अभी हम आ गए इधर गैस में बनाने, क्योंकि कोयला चूल्हा जो है हम लोग का बुझ गया, वो उसमें बन नहीं रहा था, धोखा मार दिया। हाँ तो इधर हम लोग का प्याज भी भून गया है, अब इसमें हम अपना जो मसाला है वो डाल दिए। अभी इसको देखिए इस तरह से चला लेते हैं मसाला को। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग का मसाला अच्छे से भून गया है, अब इसमें हम लोग डालेंगे अपना जो गुल्लर है वो हम लोग इसमें डाल देते हैं। अब इसको अच्छे से इसे मिला लेंगे, देखिए सारा मसाला हमें इसको अच्छे से पकाना है। इसको बॉईल करने के बाद हम तीन चार पानी फिर से धो लिए हैं, इसका जो बीजा बीजा था ना वो फिर से साफ हो गया है, इसको अच्छे से साफ से धोना पड़ता है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हम लोग का सब्जी बन के रेडी हो चुका है और एकदम बहुत ही अच्छा एकदम लग रहा है। अब तो खाने में देखेंगे कि कैसा बना है। तो अभी फिलहाल इनके लिए हम खाना निकाल देते हैं, क्योंकि इनको ड्यूटी जाने का टाइम हो गया है, तो इनको खाना देते हैं फिर टेस्ट करवाते हैं कि कैसा बना है। तो दोस्तों इधर देख सकते हैं ये खाना इनको दे दिए हैं, बहुत लेट हो रहा है इसलिए जल्दी जल्दी हम खा रहे हैं, क्योंकि ऑफिस का टाइम लेट हो रहा है। कैसे बना है बताइए खा के? एकदम मस्त बना है, रुगड़ा टाइप लग रहा है, एकदम चिल्ली टाइप का, काफी टेस्टी बना है। और इधर अभी मतलब हम चूल्हा में चढ़ा के छोड़ दिए हैं, और बहुत ज्यादा हड़बड़ हड़बड़ हम लोग को हो जाता है सब चीज करना, काम करना, फिर वीडियो ही करना। तो अभी इनको ऑफिस से मतलब फोन आया है कि तुरंत अभी जाना है, तो ये फटाफट रेडी हो रहे हैं और अभी जा रहे हैं। और किशन परी अभी आया नहीं है, वो लोग आएगा थोड़ा देरी में। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज का रेसिपी आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, कौन कौन खाए हैं ये वाला मतलब सब्जी वो भी हम लोग को जरूर बताइएगा, कैसा बना के आप लोग खाते हैं प्लीज हम लोग को बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय 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 कर दीजिए।